Hi everyone, welcome to S2IIT. So my dear friends, today I'm here to discuss 5 super most simple pattern problem or 5 most important questions from sequence and series for your forthcoming JEE advanced exams. So my dear friends, आज मैंने दो questions रखा है, ये 2017 में आया था, clear? ये 2017 में आया था, ये 2018 में है, clear? And both are for my rankers math series. So rankers math series contains 250 video lectures and each lectures consists of 5 questions, some of them previous year GE advanced questions and some of them are very good conceptual questions. इसी टाइप का क्वेश्चंस जनरली चाहिए एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर? सो आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्लियर? सो चाहिए एडवांस क्रैक करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है, देखो द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी है, क्लियर? इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24 स्क्वायर यूनिट देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड. सपोज इफ यू कंसीडर लाइक दिस, ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज सपोज जो छोटा बड़ा साइड है, सपोज दिस इज एडी है एंड इसको छोटा साइड है, इसको ये कर दिया, सो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी है. सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, सो डेल इज इक्वल टू क्या है, 24 है. सो दिस इज हाफ बेस ए इनटू ए प्लस डी इक्वल टू 24, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज ए इंटू ए माइनस डी इक्वल टू 48 है. अभी वन मोर कंडीशन, सो दिस इज आर इन ए पी है, सो दिस इज ए स्क्वायर ए माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, नाइन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डी प्लस डी स्क्वायर. ए तो कैंसिल है, सो दिस इसको इधर कर लो, सो दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 4ad है, सो दैट मीन्स क्या, ए का वैल्यू क्या है, 4d है, ठीक है, ए का वैल्यू जब 4d होगा, सो दिस इज 4d एंड सो दिस इज 3d इक्वल टू 48 है, सो दिस इज व्हाट, क्लियर? सो d स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सो दिस इंप्लाइज दैट d का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2, लेकिन यहीं पे 2 कंसीडर कर लेना, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज अभी व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, दिस है, ए जो स्मॉलेस्ट साइड है, क्लियर? सो दैट इज ए इज व्हाट, 4d माइनस d, सो दैट इज 3d, सो दैट इज इक्वल टू 6 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट साइड, सो दैट इज 6 है. Now we'll think about this one. 2018 में पूछा था, x be the set consist of the first 2018 terms of an AP. ठीक है, clear? ये जो first AP है, so this is ये जो first AP, मैंने P1 लिख रहा हूँ, so this is 1. इसको कुछ term लिखना है, 5-5 का difference में है, so this is 16, 21, 26, 31, so that is what? Clear? So 31 का बाद ये क्या हुआ, 36, so this is 41, so 46 and so this is 51, like this, ऐसा. And जो दूसरा है, so AP2, so that is what? ये क्या है, देखो 9, 6, 23, ये सात सात का डिफरेंस में है, ठीक है, so this is 30, this is 37 and 7, so that is 44, so this is 51, like this, ठीक है, clear? So my dear friends, यहीं पे क्या है, देखो ये पार्ट कॉमन है, ठीक है, so this is, देखो इसका ये पार्ट कॉमन है, यहीं पे देखो ये 51 आ गया, ये 51 आ गया, ठीक है. अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x यूनियन y. सपोज दिस इज ए सेट है, क्लियर? सपोज दिस इज ए सेट, x एक सेट तो है, सो नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ x तो 2018 है एंड नंबर ऑफ y, सो दिस इज आल्सो 2018 है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये दोनों का बीच में जो इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना है. इंटरसेक्शन कौन सा एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट इंटरसेक्शन, ठीक है, क्लियर? इंटरसेक्शंस है अभी, सो दिस इज ये जो न्यू एपी है, न्यू एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, न्यू एपी का फर्स्ट टर्म दिस एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सो दिस इज कॉमन डिफरेंस, सो दैट इज इक्वल टू 35 है,
ठीक है। तो यार अभी सपोज ये जो सीक्वेंस है, देखो ये जो सीक्वेंस है इसका सपोज लाइक दिस, इसका इनिट टर्म क्या होगा? सो दिस इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। यहीं पे क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म है, वन है, एन माइनस 2017 इंटू डी कितने है, सो दैट इज फाइव है, सो वन प्लस, so this is 10086, ठीक है। so my dear friends, so this is where कितना टर्म है, so that is 16 plus n minus 1 into d 35 is less than, so that is this, ठीक है। so it will get n minus 1, so that is 35, और ये क्या होगा, so this is 10070 है, so that is 35, ठीक है। सो इन माइनस वन, ठीक है, सो दिस इज बाय 35, ठीक है, एंड सो दिस इज इन का वैल्यू क्या होगा, सो इन का वैल्यू, सो दिस इज बाय 35, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट विल गेट, देखो ये तो 5 से कैंसिल तो होगा, ठीक है, सो 5 दिस इज 7 एंड सो दिस इज 20, सो दिस, ठीक है। And so this is equal to is what, 1 plus 2887 है, सो दैट इज इज वेल एन का जो वैल्यू है, एन इज इक्वल टू 288, ठीक है। एन जब 288 है, तुम्हें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, सो दिस इज नंबर ऑफ एक्स, सो दिस इज नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वाई एंड सो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, 2018 प्लस 2018 माइनस 288, सो दिस इज 4036 माइनस 288, सो दैट इज 3748, clear, the number of elements in the set x union y is what, so that is 3748। इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली चाहिए, जब मैं पूछा जाता है आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना चाहिए। Now we will discuss two more questions, conceptual question. So my dear friends, if the equations this equal to 0 has four positive roots, then the value of a plus b क्या होगा, ये find करना है। So my dear friends, एक बार इसको लिख दे, ठीक है, break कर लो, ये क्या होगा, x4 minus 4x cube plus 6x square minus 4x plus 1, इसके साथ कंपेयर कर लो, सो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या है, 6 है एंड बी का वैल्यू माइनस 4 है, सो दिस इज ए प्लस बी 6 माइनस 4, सो दैट इज इक्वल टू 2 है, सो दिस ऑप्शन इज द राइट वन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यार सो थोड़ा बहुत तो सम प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई करना है, नथिंग एल्स, मैंने बाइनोमियल से इसको ब्रेक कर लिया एंड देखो इसका साथ कंपेयर किया, इसका तो क्लियर। सो एक फोर पॉजिटिव रूट्स बोला है, सो मे बी दैट वन इज रिपीटेड रूट है, सो लाइक दिस। अभी क्या है, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या होगा ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अभी एक्स प्लस वाई तो ए है एंड सो दिस इज बी है, दिस इज एक्स वाई है एंड एक्स वाई इसको स्क्वायरिंग कर दो, सो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट, बी प्लस ट्वाइस एक्स वाई है, सो दिस इज एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू है, सो दिस इज बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू है,
So this is 2b and minus a square plus b by 2 है. So that is this y 3b. ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ. So this is 3ab minus a cube by 2 है. Clear? So this one is the right option. Clear? So my dear friends, just apply your patience of mind, nothing else. ऐसा format बना के दिया, just देखो बना के दिया. Now we'll discuss these questions. देखो इस type of conceptual questions you can get at your exam. So here I is equal to 0 से infinity. So this is इसकी क्या होगा देखो. So that is 1 by k plus 1 and so this is k plus 1 का square. So this is k plus 1 का cube like this. ठीक है. So this is first term तो 1 है. 1 minus 1 by k plus 1. So this is k plus 1. So this is k 1 plus k. So this is k plus 1 minus 1. So like this. लेकिन तुम्हें क्या find करना है? तुम्हें find करना है summations k is equal to 1 से n k is k. So that is what? So k is k. So that is summations k is equal to 1 से n. So that is k plus 1. ठीक है. So that is summations k is equal to 1 से n k and summations of 1 k is equal to 1 से k. So this is what? N into n plus 1 by 2 and this is so n common letter. N plus 1 by 2 plus 1 है. So this is n plus 3 by 2 है. Nothing else. So my dear friends, clear? So E options must be, so this one is the right one. ठीक है, क्लियर. इसी टाइप का क्वेश्चन सब जेई एडवांस एग्जाम में आपको मिल सकता है. सो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से समझ कर प्रैक्टिस करना. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू क्रैक जेई एडवांस एग्जाम्स विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क प्रॉपरली एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, क्लियर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रॉपरली. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, इधर उधर भटकना नहीं, किसी एक जगह पे कंसंट्रेट करके आपको हार्ड वर्क करना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा जो रैंकर्स मैथमेटिक्स सीरीज है, क्लियर, सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस इज देयर. सो दैट मींस 250 वीडियो लेक्चर्स एंड ईच लेक्चर्स कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू विल गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम जेई एडवांस, फर्स्ट जेई एडवांस एंड सम वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक दिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके जाइए. क्लियर. सो इफ यू मुझे जो लगता है, इफ यू प्रैक्टिस प्रॉपरली देन नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन मेक यू फुल इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट एडमिशंस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज टू सो दिस इज IIT. Clear government ID. So my dear friends, if you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends as well as all social medias around the world. And don't forget to subscribe my channel, Race to IIT. Thank you very much for watching my video. That's all.